मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनावों के नतीजे सामने आते ही केंद्र और प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटा दी है, लेकिन रसोई गैस की कीमतों में अभी तक कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवाई। उपचुनावों में मिली जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस जीत से राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने की बात कांग्रेस नेता कर रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीतने के बाद राजधानी शिमला में पत्रकार वार्ता कर सांसद प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी की जनता उन्हें अपार स्नेह देती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में महंगाई और बेरोजगारी भी मुख्य मुद्दा रही है। वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि व उनके समय पर किए गए विकास भी उन्होंने जीत का मुख्य वजह बताई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अटल टनल रोहतांग को भी उन्होंने यूपीए के शासनकाल में ही सांसद रहते मंजूर कराया था। कुल्लू के लोगों को पानी की समस्या को सुलझाने का कार्य किया गया। इसके अलावा उन्होंने भविष्य में पांगी में टनल के मुद्दे के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की मांग को केंद्र के समक्ष प्रमुखता से उठाने का आश्वासन दिया है। जीत हासिल करने के उपरांत आपसे पहली बार रूबरू होने का मौका मिला, आप सबने बधाई दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आप जानते हैं कि चुनाव में जाने से पहले भी आपसे वार्तालाप हुई थी और आप सब जानते हैं कि क्या इश्यूज़ को लेकर हम लोगों के बीच में गए और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जब मैं जनता के बीच में गई काफ़ी अरसे के बाद, तो लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। जिन जिन क्षेत्रों में भी मेरा जाना हुआ, लोगों ने खुशी जाहिर की कि आपको कांग्रेस का टिकट मिला है और कांग्रेस के प्रति हमारी आस्था है और इस विश्वास से हम कांग्रेस ने जैसे पहले भी कार्य किया है उसी की उम्मीद आपसे करते हैं। तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि जहां तक केंद्र से संबंधित मसले हैं उस पर अवश्य गौर किया जाएगा, उस पर मनन किया जाएगा और मैं वहां जाकर चाहे वो पार्लियामेंट में उठाने का कोई मसला हो, चाहे केंद्रीय के मंत्री उसे मिलकर उससे उसके बारे में निवेदन करना हो, मैं अवश्य करूँगी। आप जानते हैं पिछली मर्तबा भी जब मैं एमपी रही तो काफ़ी ऐसे मसले थे जो केंद्र से संबंधित थे। सबसे बड़ी देन हमारी यूपीए सरकार की, जो बार बार हमारे ट्राइबल एरियाज़ के लोगों की एक परेशानी थी कि हमारे को रोहतांग टनल के बारे में उस वक्त उन्होंने जिक्र किया और जब मैं एमपी बनी तो उसके बाद जितने भी हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने निवेदन किया कि हम प्रधानमंत्री जी से और सोनिया गांधी जी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, मुझे खुशी है कि जल्द उनको समय मिला और उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया और हमें उस वक्त की सरकार, यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया और काम करने के भी निर्देश दिए और वे कम से कम समय पर बनकर वो टनल तैयार हुई जो आज अटल टनल, अटल रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती है। और आप जानते हैं कि आज उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमें मनाली से केवल एक घंटे का समय लगता है, जबकि कितने घंटे वहां पहुंचने में लगते थे, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसी तरह से एक मेडिकल कॉलेज जिसकी मांग मंडी के लोगों ने की, कहा कि पीजीआई पहुंचते हुए हमारे को बहुत दिखते हैं तो वो मांग भी आप पूरी करें, उसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया, वो मांग भी उन्होंने पूरी करके दी। आज नेहर चौक में आप देख रहे हैं कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना। उसी तरह से एक आईआईटी की भी मांग थी और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में 8 आईआईटीज थी और एक नवी उन्होंने हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्ध कराई और वो आईआईटी भी आज बनकर कमांद द्रंग क्षेत्र में तैयार हुई है, जो कि अब देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में हमारे बच्चों के लिए खुला है। तो
तो ये कुछ समस्याएं थी। एक और समस्या जो पीने के पानी के बारे में लोग अक्सर बात करते थे कि हमारे को बहुत कम समय के लिए पानी उपलब्ध होता है, तो ये भी मैंने केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा रखा। और उस वक़्त जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे पानी के विभाग के हरीश रावत जी, उनके पास मैंने जाकर यह आग्रह किया और तुरंत उन्होंने हमारे को इसके लिए जितना भी पैसा था उपलब्ध कराया। आज जब मैं मंडी और कुल्लू का दौरा कर रही थी तो लोगों ने बहुत बहुत आभार प्रकट किया कि अब हमको 24 घंटे पानी मिलता है। तो ये कुछ समस्याएं जो पिछले कार्यकाल में कुछ समस्याएं थी उसका समाधान हमारी केंद्र सरकार ने करके दिया, और अब मैं समझती हूँ कि उसी तरह की आशाएं लोगों को इस बार भी मुझसे हैं, और मैं उनको विश्वास दिलाकर आई हूँ कि जीतने के बाद अवश्य आप लोगों के बीच में आऊँगी आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए, और साथ साथ में जो आपकी समस्याएं होगी उससे भी आप मुझे अवगत करवाएं और उन समस्याओं को भी हम ठीक ढंग से केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसका भी जल्दी से जल्दी निवारण करने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।